हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल से मैं एक बार आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूं वो है ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। ये दाल जो होती है आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे बनाई जाती है, ढाबों में बनती है, उसी तरह से मैं आपको बताऊंगी। और ये इतनी टेस्टी होती है कि आप एक बार अगर इसे बनाइए घर पे तो आप इसको बार बार बनाने के लिए आपका जी चाहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके फैमिली फ्रेंड्स को और बच्चों को ये दाल बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम बनाते हैं ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। ये मैंने तुअर की दाल को आधे घंटे पहले भिगो दिया था और इसको अच्छे से धो के पूरा अलग निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने मूंग की दाल को भी भिगो के अच्छे से साफ करके अलग बाउल में निकाल लिया है। यहाँ मैंने एक छोटी ओनियन ली है, उसको मैंने काट लिया है, रफ चॉप करा है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा जीरा है, यहाँ ये मैं एक चम्मच लूंगी। और ये मेरा नमक है, ये भी मैं स्वाद के अनुसार लूंगी। ये हल्दी, ये हींग है फ्रेंड्स, इसको भी मैं एक चम्मच लूंगी। और यहाँ पे जो ये हल्दी है ये मैं 1/4 लूंगी। और ये लाल मिर्ची कश्मीरी मिर्च है तो इसको मैं 1.5 चम्मच लूंगी। तो अब हरी मिर्च मैंने ली है और ये अदरक मैंने 1 इंच की अदरक को बारीक काट लिया है। अब यहाँ पे गैस ऑन कर दिया और एक पैन में मैंने 2 टीस्पून के करीब मैंने शुद्ध घी डाला है। इसमें घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पे अपनी तुअर वो मूंग की दाल डालेंगे। अब यह हमारा घी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है तो यहाँ पे हम अपना जो ये मैंने देखिए ये मूंग की दाल जो मैंने ये तुअर की दाल है फ्रेंड्स, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी समय हम मूंग की दाल भी इसमें डाल के उसको थोड़ा सा चलाएंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे हम। गैस इस समय हमारी थोड़ी मीडियम ही रहेगी और हमें इसको ज़्यादा नहीं लाल करना है, थोड़ा सा ही भूनना है घी में। और फिर साथ ही में हम यहाँ थोड़ा सा नमक डाल देंगे और कुछ अदरक के जो टुकड़े हैं हमने काटे हैं वो भी हम इस पर डाल देंगे। ऐसा करने से हमारी दाल थोड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है। ये तुअर की दाल और मूंग की दाल मिक्स करके अगर हम बनाते हैं तो अच्छी, बहुत ही अच्छा इसमें टेक्सचर आता है दाल का। बिल्कुल कभी कभी क्या होता है, हम पतली दाल डाल देते हैं, जब दाल उबलती है उसके बाद में वो बहुत पतली हो जाती है। तो हम इसमें थोड़ा सा तुअर की दाल में मूँग की दाल मिला के डाल देंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसमें थोड़ी गाढ़ी सी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है इसमें और थोड़ी सी हल्दी डाली है। 1/2 चम्मच के करीब मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें और 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। रंग के लिए खाली हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और साबुत ग्रीन चिली डालेंगे। पानी बहुत थोड़ा कम रखेंगे यहाँ पे और ढक्कन लगाकर हम 3 सीटी इसको दे देंगे। अब मैं इसको कुकर में शिफ्ट कर रही हूँ और अभी हमको इसको 3 विसिल में हम इसको पका लेंगे दाल को। फ्रेंड्स, नमक हल्दी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और हरी मिर्च भी बढ़ा सकते हैं और नमक भी अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे हम। अब मैं यहाँ पे ढक्कन लगा के इसको 3 विसिल दे रही हूँ। तो ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए मेरी 2री विसिल हो गई है और 1 विसिल और मैं इसमें लूँगी और फिर इसको ढक्कन खोल के जब इसका प्रेशर पूरा रिलीज़ हो जाएगा तब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हमारी दाल पकी है। ये हो गई हैं हमारी सीटियाँ, पूरी 3 सीटी हो चुकी हैं। गैस को ऑफ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जब तक हमारा कुकर ठंडा होता है तो एक पैन लिया है इसमें और इसमें थोड़ा सी शुद्ध घी मैं और डालूँगी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन लिया है यहाँ पे और अदरक भी 1/2 टेबल स्पून अदरक ली है और 1 प्याज छोटी छोटे डाइसेस में मैंने काट ली है। इन दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। जब इनमें से अच्छी अरोमा आने लग जाएगी लहसुन अदरक की तब हम इसमें अपनी कटी हुई प्याज को डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी यहाँ इस समय, मीडियम टू स्लो पे ही हमें इसको दाल को पकाना है। और ये जो जीरा है ये मैंने 1.5 चम्मच डाला है, जीरा मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने अपनी प्याज को डाल दिया और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हमको इसको नहीं भूनना है।
इसको हम चलाएंगे और इसी समय पे हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च डाल देंगे और 1/4 हल्दी डालेंगे इसमें, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी हमने पहले भी डाल चुकी है उबालते समय। इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाए और मिक्सअप हो जाए। और ये देखिए हमारी दाल, इस तरह का हमें दाल का प्रोसेसिंग चाहिए इस तरह से। और ये गाढ़ी दाल को हम डाल देंगे अपने इसमें मसालों में और ये अच्छे से मिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे। और ये लगी लिपटी दाल है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसका देखिए टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से अगर आप दाल पकाएंगे तो। अच्छे से को चला लीजिए, गैस को हम थोड़ा तेज कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम घोट देते। अब देखिए हमको इसको छोका लगाना है, तो फिर हमने फ्राइंग पैन लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने, आप टेबलस्पून के अकॉर्डिंग भी घी डाल सकते हैं और चाहे तो आप थोड़ा घी और थोड़ा रिफाइंड ऑयल मिक्स करके डाल सकते हैं। यहाँ पे 4-5 अदरक मैंने काट के डाल दिए इसको और इसको अब गोल्डन होने दे रही हूँ। यहाँ लाल मिर्च मैंने डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है फ्रेंड्स यहाँ पे। ये खड़ी कश्मीरी लाल मिर्च पक, इसको पकने देंगे हम अच्छे से। अब ये हमारी देखिए पूरी अच्छी से पक गई है, तो फिर हम दाल के बाउल में इसको डाल देंगे। ये हमारा छोका बिल्कुल तैयार हो गया, तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये हमारी दाल भी यहाँ रेडी है, तो अब हमने हम इसमें छोका लगा देते हैं। वाओ वेरी नाइस, तो हमारी ढाबे वाली दाल बिल्कुल तैयार हो गई। अब आप चाहें तो इसको हरे धनिए से मैं गार्निश करके और फिर आपको इसको प्रेजेंट करके बताती। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी दाल बिल्कुल ढाबे स्टाइल दाल है, बहुत ही तड़का दाल, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी लग रही है ना फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप ये इसी जिस तरह से मैंने आपको बताया है दाल बनाना, अगर आप इसको घर पर बनाइएगा और फिर आप इसको टेस्ट करिएगा और फिर मुझे अगर आपको पसंद आती है ये दाल तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई कैसी लगी। और अगर आप नए व्यूअर्स मेरे ये चैनल को देख रहे हैं, मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो मेरे अलका शारदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो इससे आपको मेरे जो मैं नए वीडियोस डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी रिपोर्ट आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके फिर मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस।